ले लद्दाख के किसानों बागवानों युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी उनका जोखिम भी कम हो जाएगा यही नहीं ये टनल देवधारा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई निराह नई रोशनी दिखा रही है इसके लिए हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई साथियों अटल टटल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है हिमालय का ये हिस्सा हो पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है हमेशा से इन क्षेत्रों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए या जो निकले वो अटक गए लटक गए भटक गए अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया हालत यह थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी डेढ़ किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो यह सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती आप कल्पना करिए आपकी आज जो उम्र है उसमें बीस वर्ष और जोड़ लीजिए तब क्या कर लोगों के जीवन में यह दिवस आता क्या आप पर भी बर्पा है जालसाजी का कहर सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, के क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार भेजिए अपनी आप बीती लूटखर एट टीवी नाइन डॉट कॉम पर देखिए रोज रात साढ़े नौ बजे फिक्र आपकी